रोजाना रात को सोने से पहले घर पर बने इस ग्लो सीरम को लगा लो, आपका चेहरा हीरे की तरह चमक उठेगा। ट्रस्ट मी गाइस, आज का ये ऐसा ग्लो सीरम है वो भी घर का इतना इफेक्टिव जो आपके पैसे ना सिर्फ बल्कि आपकी स्किन का भी ध्यान रखेगा। अगर आपकी स्किन पे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की समस्या है तो वो भी दूर होंगे, पिगमेंटेशन है तो वो भी हटेगा और आपकी डल स्किन पर रौनक लेकर आएगा आज का ये ग्लो सीरम। बनाना बहुत आसान है, इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। जो गर्ल्स पीजी में रहती हैं या जिनके एग्जाम्स रहते हैं या आप किसी हॉस्टल में रहते हैं तो आपके पास किचन अवेलेबल नहीं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करा है जो इजीली आप लाकर फटाफट से बना कर स्टोर कर सकते हैं या रोज़ाना भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो चीज़ें घर में पड़ी हुई आपके ख़राब नहीं होंगी। तो चलिए फॉलो करते हैं इस चीज़ को कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक करने में कोई बुराई नहीं, और अगर आपको लगता है इतना इफेक्टिव तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जानने वाले भी अपनी स्किन को चमका सकें। इसके लिए सबसे पहले लेना है आपको एक बाउल, इसके लिए लेना है आपको 4 चम्मच चावल, 4 चम्मच चावल लेना है आपको, और रात को इसको पानी में भिगो कर रख देना है। चावल क्या करता है, आपके एजिंग को स्लो डाउन करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है और फर्म करता है, यानी जो चावल का मांड है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते, कई लोग फेंक देते हैं, वो आपकी स्किन को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है चमकाने का। अब आपको इसको पूरी रात के लिए ऐसे ही भिगो कर छोड़ देना है। जब आप अगली सुबह उठेंगे तब आपको क्या स्टेप फॉलो करना है अब वो जान लेते हैं। गाइस, अब इसको देख सकते हैं, पूरी रात हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो चुका है, यानी चावल का पानी बिल्कुल कलर चेंज कर चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके पानी को हम छान लेंगे। ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि आपके बुढ़ापे को दूर रखने का पानी है, आपकी स्किन पर ग्लो लाने वाला पानी है, बहुत इफेक्टिव है चावल का मांड। अब इस सीरम को बनाने के लिए हम इसमें से लेंगे 2 चम्मच चावल का पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन, ये सीरम बनाने के लिए, क्योंकि ग्लिसरीन आपके फाइन लाइंस और आपके झुर्रियों को दूर रखती है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है और आपकी स्किन पे एक अलग सा ही शाइन और ग्लो लेकर आती है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 स्पून ग्लिसरीन। आपके फेस पर नेचुरली ब्लीच करने का काम करेगा, जो आप आर्टिफिशियल मार्केट वाली ब्लीच यूज करते हैं ना वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन ये वाला अगर आप ब्लीच करेंगे ना, मतलब लेमन ऐड करेंगे ना, तो फिर देखना आपकी स्किन की चमक। तो बस इसमें 1/2 लेमन हमें ऐड कर लेना है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 सिंगल विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई आपको पता है आपके स्किन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके स्किन में विटामिन ई की कमी है तो आपकी स्किन पे बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, आपकी स्किन बहुत डल हो जाती है। उसका पूरा जेल आप इसमें ऐड कर लीजिए। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो इससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का, क्योंकि मुझे पतंजलि का सूट करता है, मैंने नेचुरल यूज़ किया था, मुझे सूट नहीं करा, तो मेरे को पतंजलि का सूट करता है, दैट्स व्हाई मैं ये ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने अब इस सीरम को अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेमन है, चावल का पानी है, इसलिए थोड़ा सा ये ऐसा डिफरेंट सा लुक दे रहा है फटाफटा सा। लेकिन गाइस, सच में अगर आप अपने चेहरे को चमकाना चाहते हो तो इस सीरम को डेली अप्लाई करो और उसके बाद देखना जो रिजल्ट आपकी स्किन पर आएगा ना, कोई भी महंगे से महंगा फेशियल नहीं ला सकता, कोई भी बाहर की क्रीम्स नहीं ला सकती, कोई भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो भी आपकी स्किन की वो सारी इतनी केयर नहीं कर सकता जितना कि मेरा बनाया अकेला ये DIY सीरम आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, आपकी स्किन पे जल्दी से एजिंग नहीं आएगी, डार्क स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, झाइयाँ बहुत बढ़िया तरीके से रिमूव हो जाएंगी। तो चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है अब वो जान लेते हैं। इसको आपको अपने फिंगर टिप्स पे लेना है और हल्के हल्के हाथों से आपको अपने फेस पर अपवर्ड पोजीशन में मसाज करनी है, यानी ऊपर की तरफ, जैसा आप देख सकते हैं। इससे हमारी स्किन लटकती नहीं, टाइट होती है और हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अपने नोज के आसपास और माउथ के एरिया के आसपास इस तरीके से मसाज करेंगे, जिससे कि वहाँ के जितने भी व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, जो हमारी स्किन अनइवन है, वहाँ से थोड़ी डार्क है, वो इवन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है हमारे मेन एरिया, सेंसिटिव एरिया, जो है आई।
आईज के अंडर आईज आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। मसाज करने के लिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको अपनी आईज की तरफ स्किन को खींचते हुए साइड पे लेके जाना है, जिससे कि आपकी जो फाइन लाइंस है वो समय से पहले नहीं आएंगी, आपकी जो स्किन के नीचे झुर्रियां बन जाती थी वो टाइट हो जाएंगी, आपकी स्किन फर्म होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको रोजाना सोने से पहले इसको अप्लाई करना है। तो कम से कम मिनिमम आप इसको आधे घंटे के लिए अपने फेस पे लगाएं और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करके आप सो जाएं और उसके बाद देखिए आपके फेस का ग्लो। इसके साथ आपको अपने स्किन केयर में दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। डेली पीना है कम से कम 3 से 4 लीटर पानी और धूप में जाने से पहले या अगर आप घर के बाहर कदम भी रख रहे हैं, आप चाहते हैं आपकी एजिंग आप समय से पहले ना आए, आपकी स्किन अच्छी रहे, हेल्दी रहे, तो सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। तो गाइस आई होप आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो ग्लो सीरम पसंद आया होगा, तो वीडियो को जमकर शेयर कर देना। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।